हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। नाम तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो इनका फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंटरटेनमेंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल कमाल के फिल्म से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड रिएक्शन आ रहे हैं। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। इंडिया ने 10 नेशंस को मतलब के मैसेज भेजा है कि वो मतलब के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे UAE के साथ। अच्छा, हाँ, ये बड़ा मैसेज है। वही तो, मतलब UAE के लिए इंडिया इतना बड़ा स्टेप उठा रहा है। लेकिन अब ये वीडियो में देखेंगे तब इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। पहले हम कुछ नहीं ऐसा कह सकते, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कारण करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। तमाम चुनौतियों के बावजूद UAE के भारतीय समुदाय का ध्यान रखा, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। स्वागत आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों कहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी खबरों से करनी चाहिए, अच्छी बातों से करनी चाहिए, और आज की इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती है जो भारत और UAE अच्छा। से निकल रही है। भारत और UAE ने 88 दिनों के अंदर वो कर दिया है जो भारत और वेस्टर्न कंट्रीज सालों से करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। लेकिन भारत और UAE से ये जो तस्वीरें निकली हैं, वो सभी के सभी देशों को संदेश है कि जल्दी से जल्दी भारत की मार्केट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील साइन करवा लो। ऐसा ना हो कि आपका नंबर लास्ट में लगे और आपके हाथ में कुछ भी ना आए 130 मार्केट से। क्या डील हुई है भारत के लिए, किस तरीके से खुशी की खबर है, और भारत के साथ UAE के लिए किस तरीके से खुशी की खबर है, सारी बातें आज आपको बताने वाले हैं। पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों भारत ने 880 पेज के एग्रीमेंट को सिर्फ 88 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिया। ये दिखाता है कि भारत और UAE के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं। इससे कश्मीर के लोगों को संदेश मिलेगा कि UAE कश्मीर के लोगों के लिए भी अब अपने दरवाजे खोल चुका है, क्योंकि इस 880 पेजा एग्रीमेंट के अंदर कश्मीर का भी जिक्र है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 90% चीजों के ऊपर ड्यूटी फ्री लगा दी गई है और 80% टैरिफ कम किए गए हैं बाकी की बची हुई चीजों के अंदर। दोस्तों भारत और UAE का ट्रेड 60 बिलियन डॉलर का होता है। आने वाले 5 सालों के अंदर, 5 सालों से भी कम समय के अंदर, इस ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और UAE के बीच में क्या होता है। भारत के 35 लाख, जी हाँ, भारत के 35 लाख वर्कर UAE के अंदर काम कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने UAE के काउंटर पार्ट का एक धन्यवाद किया कि पूरी दुनिया से हम अपने भारतीयों को बाहर निकाल रहे थे, देश के अंदर ला रहे थे, लेकिन UAE एक ऐसा वाहिद मुल्क था जिसने भारत के वर्करों का केयर किया, उनकी संभाल की कोविड के समय में, और उसी धन्यवाद नहीं दे सकता। भारत UAE के रिश्ते इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया के जितने भी देशों के साथ ट्रेड करता है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत का तीसरा नंबर। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे नंबर पर UAE है। इसी के अलावा भारत UAE से एक साल के अंदर 11 बिलियन डॉलर का तेल खरीद लेता है। इसी के अलावा भारत UAE के अंदर 85 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके बैठा है जब से हमारे रिश्ते और ट्रेड शुरू हुए हैं, और UAE ने भारत के अंदर 11 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर कंपनियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के अलावा हम UAE से सोना भी खरीदते हैं। बताया जाता है कि UAE की मार्केट से 70 टन का सोना इम्पोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा। अब ये जो और इंडियन सोना भी ऐसा पहनते हैं जैसे टैरिफ लगने वाले हैं। इसी के अलावा UAE और भारत के बीच सोना तो सिर्फ इंडिया के औरतों के पास है। भारत के अंदर जितनी भी फार्मास्यूटिकल और मेडिकल के इक्विपमेंट नए आते हैं, और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अगर उसे अप्रूवल मिल जाती है तो UAE भी उसे अप्रूवल दे देगा। सिर्फ और सिर्फ उसका टाइम फ्रेम है 90 दिनों का रखा गया है। कोविड वैक्सीन के तौर पर आपने देखा पूरी दुनिया की
पूरी दुनिया की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री आज भारत ही था, और इस सिचुएशन में यूएई और भारत के साथ डील हुई है कि कोई भी मेडिकल की चीज बनती है तो 90 दिनों के अंदर अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में उसे अप्रूवल मिल जाती है तो यूएई भी 90 दिनों के अंदर अप्रूवल दे देगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, भारत का रुतबा इससे बड़ा है। यूएई अप्रूवल दे देगा, अमेरिका, यूके, यूरोपियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वाले दे देंगे, तो वेस्टर्न कंट्रीज और ये अपनी वेस्ट एशियन कंट्रीज, अफ्रीका जैसे देश भी कहेंगे कि हाँ हमें भी अप्रूवल देनी चाहिए। तो इससे भारत का रुतबा बड़ा है, और इस सिचुएशन में ये डील भारत की बहुत से देशों को संदेश है। ये सारी बातें हुई, भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई के काउंटर पार्ट को कहा कि आपके देश में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं और भारत और यूएई आतंक के खिलाफ कंधे से कंधा जोड़कर खड़े रहेंगे। हालांकि ये डील आज एक बहुत बड़ा संदेश है अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को, इजराइल को और दुनिया के 10 से भी ज्यादा देशों को जिनके साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डील हो रही है। दोस्तों अब आप क्या कहना चाहोगे? हालांकि यूएई की सरकार ने, यूएई के ऑफिशियल ने कहा कि हम वीजा के अंदर भी छूट देने वाले हैं स्पेशल भारतीयों को, क्योंकि वो भी भारतीयों के टैलेंट को जानते हैं और वो दरवाजे खोलेंगे रोजगार की। इकोनॉमी अगर हमें बनना है तो उसका फ्यूल भारत से ही आएगा और भारत के लोग ही जो आज टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए वीजा की छूट देने वाले हैं। क्या कर रहे हो? यूएई के अंदर आए, व्यापार करें और यूएई की इकोनॉमी को आगे लेकर जाएं। ये होती है भारत का एक जो पहचान है पूरी दुनिया के अंदर, रिलेशंस, टैलेंट को स्वीकारा जा रहा है, भारत के ट्रेड को स्वीकारा जा रहा है। हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान सीख ले सकता है भारत और यूएई के इस एग्रीमेंट से। कश्मीर की तस्वीर अब यूएई बदल कर रख देगा, आप लिख कर ले लीजिए, और पड़ोसी देश पाकिस्तान के हाथ अब बहुत ही खाली रहने वाले हैं। क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म, अब आते हैं हमने रिव्यू की तरफ। तो यार देखो सीधी सी बात है, पाकिस्तान को वाकई में सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अब देखो रिलेशन इंडिया और यूएई के कैसे जा रहे हैं। मतलब भाई दुनिया देख रही है ना क्या बना हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गए हैं और इंडिया ने दिनों में सब कुछ इन्होंने तय कर लिया। वही 980 मतलब पेजेस का एग्रीमेंट था, 88 दिनों के अंदर अंदर साइन हो गए, और अभी मतलब के दुनिया में मतलब और भी औरों को भी मैसेज भेजा, भाई तुम लोग भी करो, तुम्हारे पास भी टाइम है, नहीं तो करना चाहते हो तो आओ भाई। बाबा देखो एक बंदा है ना, उसकी चलो खटारा सी भी चीज प्रोडक्ट है, बिल्कुल अगर आप खुद सोचे 150 करोड़ लोग है, उसमें से 1 करोड़ तो लेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा यार। समझदारी है भाई, ये होती है मार्केटिंग, और इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट इस टाइम पे इंडिया ही है, चाइना से भी बड़ी मार्केट इंडिया बन चुका है इस टाइम पे। तो भाई यूएई को भी पता है, और ये देखो रिलेशंस देखो यूएई के और इंडिया के, देखो ना वर्कर्स को इतनी छूट दे रहा है, वीजे में इतनी कमी ला रहा है, इधर पाकिस्तान के साथ सही मामला ठोक के रखे उन्होंने, 35 लाख इंडियन उधर काम कर रहे हैं, देखे ना, मुझे कहना आसान है 35 लाख और वीजे में नरमी कर रहे हैं और छूट दे रहे हैं, क्या पता 10-15 लाख और चले जाए। हाँ हो भी सकता है भाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू, दुबई इधर भी शुरू कर रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन भाई बिल्कुल बिल्कुल, और भाई $85 बिलियन के आई थिंक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की हुई है यूएई के अंदर, जब से रिलेशन इंडिया ने उधर की हुई है, और यूएई ने अभी 10-12 बिलियन की है। इंडिया सालाना 10-12 बिलियन का पेट्रोल ले लेता है इनसे, ऑयल वायल जो भी होते हैं, और इनकी ट्रेड अभी आई थिंक 60 के आसपास है ना, बिल्कुल 60 के आसपास इनके आपस में ट्रेड चल रही है। इंडिया की ट्रेड जो है ना वो आसान है, इन्होंने नरमी रखी हुई है, शरायत में नरमी है, ज्यादा इन्वेस्टर को थकाते नहीं है, ज्यादा भगाते नहीं है, इन्वेस्टर आता है खुशी से भी आता है, और सारी फैसिलिटीज खुद प्रोवाइड करते हैं। दुनिया की बेहतरीन कंपनियां दवाइयां की इंडिया में, दुनिया की बेहतरीन, जो बाबा दुनिया की बेहतरीन हो ना, इंडिया की अपनी बेहतरीन, बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूं, ये बात है मैन्युफैक्चरिंग का हब है दवाइयों का, दवाइयों का 70% मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करता है, 70% दवाइयां टोटली दुनिया में जो जाती है इंडिया ही जाती है, अंदाजा लगा लो भाई, मुंह से कहना था और मुल्कों से जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है, मतलब एक नंबर की दवाइयां देते हैं, पास है अपना वो लोहा मनवाया, और बिल्कुल, और हमारे पाकिस्तान में 2 नंबर दवाइयां भी चलती है, बिल्कुल ये तो आपके सामने ही है ना, पैरासिटामोल में भी 2 नंबर है, 50 का पलता है, जो 2 नंबर है वो 20 रुपए का होता है, अंदाजा लगा लो सीन इधर कैसे, सेहत के साथ भी इधर खेला जाता है, सेहत के असूलों के खिलाफ, वही ना क्या बंदा बोल सकता है यार। मैं तो कहता हूँ इंडिया आगे बढ़े, तरक्की करे और जाए भाई वर्ल्ड का सुपर पावर देश बनने वाले फ्यूचर में, ये बन कह रहे हैं जी, पास थोड़ा और सही है ये, बस में क्वेश्चन जिस तरह के स्टैट्स आ रहे हैं ना, मैं कहता हूं वो टाइम दूर नहीं है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।